स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दिस शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज इज लेमडा, देन द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द ब्रैकेट सीरीज इज। देखो, इसमें तुमको ये सोचना है कि बाल्मर सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, यहाँ पे मतलब क्या है इसका। तो अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है कौन से ऑर्बिट से, इनफाइनाइट से, सपोज करो कि सेकेंड में, तो इसमें जो लाइन यहाँ पे देख रहे हैं इसको हम बाल्मर सीरीज के अंदर रखते हैं, और इसमें जो वेवलेंथ आपका फॉर्मूला होता है रिलेशन वेवलेंथ के लिए वो होता है 1/लैम्डा इक्वल टू आर 1/N2² -1/N1² आर, यहाँ पे रीडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं इसको। तो अगर बाल्मर के लिए बात करो, ठीक है, तो यहाँ पे N2 क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्बिट, और N1 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट से 2 पे आ रहा था वो, तो 1/लैम्डा इक्वल टू आर 1/N2² 1/2² -1/इनफाइनाइट, तो 1/लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया, आर 1/4। ठीक है, अब इसको रेसिप्रोकल कर दो तो लैम्डा इक्वल टू 4/r। ये जो वैल्यू तुम्हारा निकल के आया है ये वेवलेंथ यहाँ पे एमिट हुआ है। अगर हम इसी का बात ब्रैकेट सीरीज में करते हैं, ब्रैकेट सीरीज, तब इसमें तुमको ट्रांजिशन देखना है चौथे ऑर्बिट पे, कहाँ से, इनफाइनाइट से। तो इसमें जो वेवलेंथ एमिट होगा, मान लो कि लेमडा डैश, वो इक्वल टू आर 1/4² -1/इनफाइनाइट, तो 1/लेमडा डैश कितना हो जाएगा, आर 1/16 -0। रेसिप्रोकल करेंगे तो लेमडा डैश 16/r, और इस इक्वेशन से आर को हम 4/लेमडा तो लिख ही सकते हैं, तो यहाँ पे आर के जगह पे 4/लेमडा रख दो, 4 से 4 बार में कट गया, तो लेमडा डैश कितना हो गया, 4 लेमडा। तो ऑप्शन बी नंबर इसमें सही हो जाएगा। ठीक है,